खबर गाजीपुर जनपद से, जहां नवागत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जनपद में कानून राज की स्थापना मेरी पहली प्राथमिकता है। आमजन की सुनवाई के लिए हर संभव प्रयास होगा। हड़तालों पर यह व्यवस्था की जाएगी कि आम नागरिकों की सुनवाई में कोई हिलाहवाली न हो, उसे प्राथमिकता के आधार पर उसकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि मैं 1992 बैच का PPS अधिकारी हूं। इसके बाद इसी वर्ष मेरा IPS में प्रमोशन हुआ। गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग है। महिलाओं के अपराध के संदर्भ में हर थानों पर यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि महिलाओं की पूरी समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया जाए। गुंडों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। गैंगस्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। गाजीपुर जनपद से पुनीत कुमार त्रिपाठी के साथ अजीत मोदनवाल की रिपोर्ट। जो भी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है तथा कानूनी दायरे में लाके उन सब संपत्तियों को सीज किया जाएगा। जहां तक अपराधियों को सजा दिलाने की है तो माननीय न्यायालय में पैरवी की जा रही है, पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है और अपराधियों को उनके किए गए कृत्यों के लिए जो भी चार्जशीट पुलिस द्वारा दी गई है और इस समय प्रचलित है उसमें कठोरतम सजा उन लोगों को हो, अधिक से अधिक सजा हो, इसका प्रयास भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जनपद बिहार के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और बार बार आरोप लगता है कि गौ तस्करी हो रही है और शराब की तस्करी हो रही है, इसको लेकर सर क्या है? अभी जो मेरी चर्चा अधिकारियों के साथ हुई है उसमें इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि जो बॉर्डर है उससे यदा कदा गो तस्करी की शिकायतें और शराब की और NDPS जो सब्सटेंस हैं उनकी भी तस्करी की और उनके कंजम्पशन की शिकायत प्राप्त होती हैं। पुलिस द्वारा निरंतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो पुरानी कार्य योजना है उसका भी हम अवलोकन करेंगे और उसको और किस तरह से रोका जा सकता है, उसमें जो लोग हैं उनके खिलाफ और बेहतर तरीके से किस तरह से हम उनका चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है इसे भी देखेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की जो भी बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर इस तरह के क्रियाकलाप अवैध रूप से अगर होंगे तो उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं किसी सिस्टम की संलिप्तता पाई गई तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।